सो वी स्टार्ट ऑन विद आवर सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट. देखो, इट्स अ वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट इन योर सिलेबस, बिकॉज ऐसे तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस. मतलब इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपके, लाइक नो मैटर यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स और यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स, राइट, मे बी इन योर बिजनेस और मे बी इन योर पर्सनल लाइफ डिसीजन मेकिंग, राइट, देयर इज लॉट टू टेक अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट. जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें फाइनेंस में, तो इट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि द वैल्यू ऑफ मनी, लेट्स से इफ यू हैव अ 100 रुपी नोट, राइट, यू फील दैट 100 रुपी नोट विल रिमेन सेम फॉर एवर, बट The purchasing power of money changes constantly. मतलब अगर एक चीज आप 100 रुपए में आज खरीद रहे हो, मे बी आफ्टर अ ईयर द सेम थिंग मे नॉट कॉस्ट यू 100, इट मे कॉस्ट यू मोर, राइट. सो बेसिकली क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस, राइट, एंड द चेंज इज एट्रीब्यूटेबल टू द टाइम, राइट, एज टाइम चेंजेस द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस. तो यहाँ पे ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, उसमें देर आर टू कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, अनदर कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, लेट्स से आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि समझ लो मेरे को आपको आज 10,000 रुपए पे करने हैं. ठीक है, आई नीड टू लेट्स से पे भार्गव 10,000 रुपीज टूडे. आई टेल हिम कि बहुत काम करते हैं ना, आज मत ले, तू मेरे से 3 साल के बाद 10,000 रुपए ले लेना, राइट. दिस 10,000 रुपीज इज ड्यू एंड पेएबल टूडे. आई टेल हिम आई विल नॉट बी एबल टू पे यू टूडे, यू टेक दिस 10,000 रुपीज फ्रॉम मी आफ्टर 3 ईयर्स. कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या चेंज हो जाएगा? See what he may think in his mind is कि देखो मेरे को तो आज 10,000 रुपए मिलने के हैं, तो अगर सर आज मेरे को 10,000 रुपए दे देंगे तो मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट, मैं या तो इसका फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा, या तो इससे कोई शेयर्स खरीद लूंगा, या तो अपने बिजनेस में इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट. वॉट एवर ही डज विद दिस मनी, ही इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न सर्टन रिटर्न ऑन दिस मनी. वो सोच रहा है कि अगर 8-10,000 रुपए मिलेंगे तो उसको कहीं पे भी मैं इन्वेस्ट करके उससे कुछ रिटर्न अर्न करूंगा. तो क्या होगा, बेसिकली मनी का जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मे बी सिंपल वो कुछ नहीं करता, एक 9% वाली फिक्स डिपॉजिट ही कर देता है, राइट. सो अगर आज मैं इसको 10,000 रुपए देता तो वो 10,000 रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल देता, राइट. 10,000 के 9% मतलब कितना, 900 रुपया उसको साल का इंटरेस्ट मिलता, तो ईयर एंड में उसका अमाउंट हो जाता 10,900. फिर नेक्स्ट उसको वापस 9% इंटरेस्ट मिलता, फिर उसको वापस 9% इंटरेस्ट मिलता, राइट. सो इफ यू से 1,000 रुपीज विल बिकम 1.09% एवरी ईयर, राइट, इंटू 1.09 into 1.09, so basically it would have become 12,950 by the end of the third year अगर मैं उसको आज दे देता तो. बट अगर समझो वो अग्री करता है कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मेरे को आप 10,000 रुपए मत दो, आप 10,000 रुपए मेरे को 3 साल के बाद देना, तब क्या उसको कोई लॉस होगा? विल ही सफर एनी लॉस होता है पे हिम 10,000 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स? Yes. What is the loss? The return. मतलब 3 साल के बाद अगर मैं आज इसको पेमेंट कर देता तो ही वुड हैव पोजेस्ड 12,950 बिकॉज ही वुड हैव इन्वेस्टेड दैट मनी समवेयर. बट अगर 3 साल के बाद मैं 10,000 रुपए ही इसको देता हूं, सो ही इज लूजिंग आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट. सो मनी के साथ हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अटैच होता है. एंड अगर मैं 3 साल के बाद इसको पेमेंट करता हूं
राइट। अगर मैं इसको 3 साल के बाद में अगर इसको पेमेंट करता हूं तो 3 साल तक तो ये 10,000 रुपए मैंने यूज किया, तो मैं यूज करूंगा तो मेरे को भी तो कोई रिटर्न मिलेगा ना। आई मे ऑल्सो डू अ फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 9% राइट। तब क्या होगा, 3 साल के बाद मेरे को 12,950 मिलेगा, उसमें से 10,000 रुपए मैं इसको दे दूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जो इसका लेजिटिमेट पैसा था उसको यूज करके मैंने रिटर्न अर्न किया राइट। सो बेसिकली यू वुड हैव हर्ड मे बी वेन एवर यू मेक डिलेड पेमेंट टू योर क्रेडिटर और सप्लायर, तो सप्लायर आपको बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। या तो कोई भी कमर्शियल इन्वॉइस भी आप देखोगे उसमें लिखा रहता है कि द पेमेंट इज मेड बियॉन्ड ड्यू डेट दे विल चार्ज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। व्हाई इज दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज अगर मैं आपको डिलेड पेमेंट कर रहा हूं देन यू आर लूजिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग एन इनकम विच यू वुड हैव अदरवाइज अर्न राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। आई क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? तो द मनी विच इज वर्थ टूडे इज नॉट वर्थ द सेम टूमोरो, इट इज वर्थ मोर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैसे की जो आज वैल्यू है फ्यूचर में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज पैसे के साथ हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग सम रिटर्न्स इज अटैच्ड। क्लियर? नाउ वी रिवर्स दिस एग्जांपल। ठीक है, अभी देखो ये एग्जांपल को किस तरह से रिवर्स करते हैं। वी रिवर्स दिस एग्जांपल सेइंग कि I am supposed to pay him 10,000 rupees after 3 years. मतलब मेरा क्रेडिट पीरियड है, आई एम इज कस्टमर, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड मेरे को मिला है 3 साल का, और इसने जो मेरे को प्राइस कोट किया है वो है 10,000 rupees। तो मेरे को इसको 10,000 कब पे करने हैं? आफ्टर 3 years। ये मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है सर आप मेरे को 10,000 रुपए आज ही दे दो ना, 3 साल वेट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, सो हाउ मच इज ही आस्किंग फॉर? 10,000। सपोज आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ सरप्लस कैश, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन पे। ठीक है, तो मैं अगर इसको 10,000 रुपए आज दे दूंगा तो क्या मेरे को कोई लॉस होगा? यस, व्हाट लॉस विल आई सफर? सेम थिंग। अगर मेरे को इसको 3 साल के बाद देने दे पैसे तो मैं एक 3 साल का FD कर देता है एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। 3 साल के बाद मेरे को 12,950 मिलते और उसमें से 10,000 रुपए मैं इसको दे देता। बट अगर सेम 10,000 रुपए मैं उसको आज दे देता हूँ तो विल आई बी एबल टू अर्न दिस रिटर्न? नो, बिकॉज द मनी इज नो मोर विथ मी। हु विल बी अर्निंग दिस रिटर्न? He will be earning this return because मेरे से पैसे लेकर ये fixed deposit कर लेगा। So ideally जब वो मेरे से ये 10,000 रुपए मांगने आ रहा है then I should tell him कि boss wait, I am not going to pay you 10,000 rupees right now। मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा, बिकॉज 10,000 रुपए तो मेरे को आपको 3 साल के बाद देने हैं राइट। सो टेक्निकली द टर्म इज फ्यूचर वैल्यू। क्या टर्म है? फ्यूचर वैल्यू, बिकॉज आई एम सपोज टू पे यू दिस 10,000 रुपीज इन फ्यूचर, मेरे को 3 साल के बाद आपको ये 10,000 रुपए पे करने हैं। टूडे आई विल पे यू लेस राइट। सो नॉर्मली यू हैव हर्ड ऑफ अ टर्म कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये नॉर्मली एक सप्लायर आपको या आप अपने कस्टमर को एक क्रेडिट टर्म ऑफर करते हो 2 महीने का 3 महीने का, फिर आप उनको बोलते हो कि अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे विद इन लेट्स से 7 डेज और 10 डेज व्हाटएवर देन वील गिव यू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ये सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्यों आता है? बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिकॉज वो आपको अगर जल्दी पेमेंट दे देगा तो उस पैसे को आप कहीं पे भी यूज करके, तो कीप इट सिंपल, आप उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल के एक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो राइट। सो आई विल टेल हिम, so I will tell him कि बस I will not pay you 10,000 rupees today. I am supposed to pay you 10,000 rupees after 3 years, right? So what we will do today is I will tell him I will give you an amount, right? What I will tell you, I will give you an amount which you invest at a certain rate of return will become 10,000 after
3 years, right? मतलब अगर मैं इसको बोलूंगा कि भाई देख, अगर मेरे को 10,000 रुपए तुमको 3 साल के बाद देने थे, तो मैं क्या करता, मैं एक फिक्स डिपॉजिट कर देता जिसमें मेरे को, लेट्स से कीप द परसेंटेज सिंपल, 10% रेट ऑफ रिटर्न मेरे को मिलता, राइट? सो मैं आज क्या करता, आई वुड हैव इन्वेस्टेड मनी एक्स और अमाउंट एक्स इन अ फिक्स डिपॉजिट विच वुड अर्न 10% रिटर्न एवरी ईयर एंड विच वुड बिकम 10,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, राइट? सो ये जो आज मैं पैसे को लगाऊंगा बैंक में या फिक्स डिपॉजिट में, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू. दिस प्रेजेंट वैल्यू विल हैव अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज इफ इट इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब हर साल अगर कुछ कंपाउंडिंग होते रहेगा तो वो 10,000 रुपया बन जाएगा आफ्टर 3 years, right? So basically, see, we do the computations के compounding कैसे करना, discounting कैसे करना, simple technique से calculator पे ही अपन कर सकते हैं, not too much of this thing. But basically, what I emphasized upon is that you should know these two concepts very well. That money which is worth today, it is worth more tomorrow. Two concepts which you need to understand is the future value of money and the present value of money. Future value of money में क्या होता है? इट्स एन अमाउंट विच इज पेएबल एट अ फ्यूचर डेट, राइट? इट इज एन अमाउंट विच इज पेएबल एट अ फ्यूचर डेट. प्रेजेंट वैल्यू मतलब कि उस फ्यूचर डेट में जो पैसा पे करना है उसको हम किसी सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिस्काउंट करते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अराइव करता है. आई टोल्ड यू कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा. I tell you सिंपल एरियाज जहां पे ये कॉन्सेप्ट हमें काम आते हैं. फर्स्ट, जैसे whenever you buy a life insurance policy, ठीक है, life insurance policy में क्या होता है, you pay a certain amount of premium every year, they give you a risk cover. If during the period of the policy, if the contingency occurs, then they will give you the policy amount. If the contingency does not occur within the specified period, at the end of the term of the policy, they give you the maturity value. So, वो लोग यही concept use करते हैं. अगर जैसे आप लोग बोलते हो कि मेरे को 25 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदनी है, कि भाई मेरे को इतने साल के बाद 25 लाख रुपए मिलने चाहिए. So, how do they determine the premium amount? राइट, एक फिक्स्ड प्रीमियम अमाउंट डिटरमाइन वो लोग कर लेते. देखो, ये जो इंश्योरर भी है वो क्या करेगा, वो भी उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा और उससे रिटर्न अर्न करेगा और उसी रिटर्न में से कुछ पोर्शन आपके साथ वो शेयर करेगा, राइट? सो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगे ना, उसमें मे बी 7.5% ऑफ रिटर्न अश्योर्ड होता है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, दे विल से लेट दी अमाउंट ऑफ प्रीमियम बी एक्स. If X is received every year till a certain number of years and we need to provide the policy holder, let's say 8% rate of interest, तो उसका future value हो जाना चाहिए 25 lakh rupees. Second very common use thing is that today we buy a lot of stuff on EMI, right? EMI में भी क्या करते हैं, दे इक्वेट आवर इंस्टॉलमेंट्स, बोलते हैं कि इतना रुपया आप हर महीने या हर साल, वॉट एवर द अरेंजमेंट इज, देना, राइट? एंड दैट विल एड अप टू अ सर्टन अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कोई भी जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कोई भी हम लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट स्केड्यूल, वो सारी चीजों में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. इवन कॉमर्स, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी जब डिस्काउंट देने की बात आती है तो जो डिस्काउंट का रेट भी डिराइव होता है वो मार्केट रेट से डिराइव होता है, कि मार्केट में किस रेट पे लोन्स मिल रहे हैं. बिकॉज इफ यू पे समबडी अर्ली, it is as good as you are providing loan to that person for that particular period of time. So जो loan का rate होता है वो rate के basis पे ये computations होते हैं, right? So basically this is the concept. यहाँ पे हम लोग सीखेंगे how to compute future value, how to compute present value, right? We'll talk about annuities, के जहाँ पे एक certain sum हमें over a period of time pay करना है, right? For a particular tenure, right? So these are the concepts which we learn under time value of money.
ठीक है. देन से व्हाट वी लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट मोर इज के वी टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीईओ और मे बी सीएफओ विच इज हैंडलिंग द फाइनेंस डिविजन राइट. तो वो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड मनी राइट. एंड देर आर डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम विच दिस मनी वुड कम इन राइट. सो देखो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. मतलब अगर फाइनेंस नहीं है आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते राइट. सो पैसे सबसे पहले चाहिए. अब पैसे खुद के हो कि किसी से लोन में लेकर आप कर रहे हो कि किसी से डोनेशन मिलकर कर रहा है कुछ भी है बट यू नीड मनी टू स्टार्ट अ कमर्शियल एक्टिविटी राइट. सो मे बी लेट्स से टुमारो आफ्टर यू आर डन विथ योर स्टडीज यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग एन इनोवेटिव स्टार्टअप कि भाई मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है. सो मोमेंट यू थिंक ऑफ द फैक्ट कि मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल अराइज इन योर माइंड कि मेरे में सारी कैपेबिलिटीज है मैं सारे रिसोर्सेज भी मैनेज कर लूंगा सब कुछ कर लूंगा बट मेरे को चाहिए क्या पैसा. पैसे के बिना कुछ होने वाला नहीं है. So there are various sources from which you can get your capital. Right? There are various sources from which you may get your capital. मतलब आप खुद का पैसा बिजनेस में लगा सकते हो आप लोन्स ले सकते हो राइट. सो हम लोग एक कंपनी के परस्पेक्टिव से बात करते हैं कि लेट्स से यू स्टार्टेड यू फॉर्म्ड अ कंपनी राइट. सो कंपनी में जो खुद का पैसा ओनर लगाता है उसको क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल राइट. सो यू विल कॉन्ट्रीब्यूट योर इक्विटी शेयर कैपिटल. देन देर आर प्रेफरेंशेस राइट विच आर मोर इन द नेचर ऑफ लोन बिकॉज जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है वेर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is a redeemable capital because maximum 10 year 20 साल का preferential issue हो सकता है उसको repay तो करना ही पड़ेगा. Then you may take loans from bank, you may take loans from financial institutions, you may issue debentures, right? Commercial papers. There are lot of innovative financial instruments which are there in the market today. तो अभी देखो आपको दो decisions लेने हैं सबसे पहले. First, आपको कितना पैसा चाहिए. Because see, money as we understood has a cost. तो समझ लो कि आपको आपके प्रोजेक्ट में जरूरत था 10 करोड़ रुपए का और आपने इवेल्युएट कर लिया कि नहीं मेरे को 15 करोड़ का लोन चाहिए और समझ लो आपने 15 करोड़ के डिबेंचर्स इश्यू कर दिए तो आप बिजनेस में कितना यूज कर पा रहे हो अपने 10 करोड़ और ये 5 करोड़ का आपके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन हो गया बिकॉज यू नीड टू पे इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड मे बी यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट मनी एट आइदर सेम और ग्रेटर रेट ऑफ रिटर्न राइट. सो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा यू विल हैव एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन. सेकेंड प्रॉब्लम भी इवेल्युएट करने में है कि 10 करोड़ की जरूरत थी आपने 6 करोड़ इवेल्युएट किया राइट. सो आपने 6 करोड़ रेज किया आपका काम अटक जाएगा योर प्रोजेक्ट विल नॉट गो स्मूथली. So first you need to evaluate in a business how much of fund is required. Very very important projection. Then since we know that there is a cost which is attached to each source of finance, right, you need to determine what should be the capital structure of the company. कि मेरे को कितने इक्विटी शेयर इशू करने हैं मेरे को कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना है मेरे को कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं मेरे को कितना बैंक लोन लेना है बिकॉज सी ऑल दीज कैपिटल विल कम एट वेरिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट राइट बिकॉज या फिर रेट ऑफ रिटर्न वी मे से राइट. सो यहाँ पे यू नीड टू डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर के मेरे को अपने कंपनी को किस तरीके से मेरे को कंपनी को फंड करना है हाउ should the capital structure of the company look like. Okay? Then we know that each source has a cost attached to it. देखो कोई भी capital raise करने का ना दो तरह का cost होता है. एक जिसको हम बोलते हैं flotation cost. Flotation cost मतलब if I want to issue equity shares in the market, right? I need to take various approvals. I need to let's say appoint merchant bankers. I need to appoint underwriters and do this entire procedure. तो इसको क्या बोलते हैं flotation cost.
सेकेंड होता है उसका द रिटर्न विच आई नीड टू पे टू माई लेंडर, राइट। अगर मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूँ मार्केट में तो कितने रेट ऑफ रिटर्न पे वो डिबेंचर्स इश्यू होंगे, कितना मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। देन अगर मैं प्रेफरेंशियल इश्यू कर रहा हूँ तो कितने रेट पे जाएंगे, अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो वो कितने रेट पे मेरे को लोन देंगे, एंड सी ऑल दीज डिबेंचर्स लोन एक्सेट्रा आई डोंट कम फॉर फ्री, यू नीड टू ऑफर सर्टन सिक्योरिटीज टू दी लेंडर्स, राइट। मतलब अगर आप डिबेंचर इशू करोगे तो एक डिबेंचर ट्रस्ट बनेगा, वो ट्रस्ट के अंदर आपको अपने सारे एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा। इफ यू टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक तो वो भी आपके एसेट्स को मॉर्गेज या हाइपोथेकेट करेंगे एज ए सिक्योरिटी। एंड नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 100 रुपए का लोन लेते हो तो दे कीप अ मार्जिन, वो आपसे 120, 130, 140 के एसेट मांगे हैं टू गिव यू अ लोन ऑफ 100 सो दैट दे आर कवर्ड सिक्योरली। सो यहाँ पे देर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व। इसके बाद मेरे को सोचना है कि कितने टाइम तक ये पैसा मेरे को चाहिए, राइट। हाउ मेनी इयर्स डू आई रिक्वायर दिस मनी, मे बी फॉर 3 years, मे बी फॉर 5 years। आई नीड टू इवन सी द जेस्टेशन पीरियड ऑफ माई बिजनेस। जेस्टेशन पीरियड मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होते ही प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है, उसको प्रॉफिटेबल होने में कैश इनफ्लोज आने में समय लगता है। सो इफ आई टेक अ लेट्स से लोन टुडे एंड द रीपेमेंट शेड्यूल इज मंथली, तो मैंने लोन तो ले लिया, अब मेरे को मंथली रीपे करना है, बट मेरा कोई रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है बिकॉज मेरे को अपना प्लान सेटअप करने में ही 2 साल लग जाएगा, तो विल आई बी एबल टू रीपे? नो, तब तो मेरे को रीपे किससे करना पड़ेगा? जो लोन लिया वही पैसा मेरे को वापस इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सो आई नीड टू अगेन थिंक कि मेरा जो लोन है उसका मेच्योरिटी टेन्योर किस तरह से होना चाहिए, राइट। Then you would have let's say heard of a ratio called debt equity ratio, right? Ideal ratio 2:1 बोला जाता है, etc. So you need to have a mix के खाली equity shares से नहीं या खाली loan fund से नहीं, you should have a judicious mix of let's say capital कितना चाहिए, external funds आपको कितने चाहिए, right? So all these things, cost of capital you need to think, you need to think about the mix of capital. अरे mix of capital को normally we term it as leverage, कि how much is the company leveraged, के because each source अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें कि each source has a cost, किसी source का cost ज्यादा होता है, किसी source का cost कम होता है, कुछ सोर्स पे जो हम रिटर्न्स पे करते हैं उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, कुछ सोर्स के ऊपर जो हम रिटर्न्स देते हैं उस पे हमें और ऊपर से टैक्स देना पड़ता है, राइट। सो देयर आर दीस पैरामीटर्स आल्सो इन्वॉल्व। अभी सी वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिस्कशंस टू सेट द फाउंडेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट। तो आज मेजरली हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक फाइनेंस को वील डू अ राउंड अबाउट वे वील अंडरस्टैंड वेरियस फेजेस एट विच द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस विल कम इन अ बिजनेस। तो देखो आपने क्या किया कि आपने इवैल्यूएट करा कि आपको बिजनेस करना है, यू नीड फंड्स। फिर आपने देखा कि मेरे को कौन से सोर्स से फंड लेना है, मेरे को क्या मिक्स रखना है इस फंड का, कितने इक्विटी शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स, कितने लोन फंड, ये आप कौन से बेसिस पे करोगे, यू विल डू इट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट, द रिटर्न विच यू नीड टू पे टू ईच ऑफ दीज सोर्सेस, राइट। देन वंस योर बिजनेस स्टार्ट्स, आपने लोन्स तो ले लिए, दीज आर लॉन्ग टर्म लोन विच यू हैव टेकन फॉर योर बिजनेस, बट जब बिजनेस स्टार्ट होगा इस पैसे को आप क्या करोगे, आप प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा में आप इन्वेस्ट करोगे। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आपको पैसा चाहिए, हर महीने रेंट पे करना है, हर महीने सैलरीज पे करनी है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस विच यू नीड टू मेक फॉर दी वर्किंग ऑफ दी कंपनी। तो जो फंड मेरे को वर्किंग ऑफ द कंपनी के लिए चाहिए होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, राइट। सो नाउ देर इज अ नीड टू इवेल्युएट वॉट शुड बी योर वर्किंग कैपिटल। नॉर्मली फाइनेंशियल प्रूडेंस बोलता है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, मतलब इक्विटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से यू शुड फंड योर लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स में आप पैसा लगाओ लॉन्ग टर्म फंड से। बट
जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ जो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन है आपका इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर परचेजेस, व्हाटएवर, यू शुड मीट फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. अभी देखो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है. मे बी अ बैंक ओवरड्राफ्ट और अ कैश क्रेडिट विच यू हैव टेकन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ योर शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज योर क्रेडिटर्स. नॉर्मली एक बिजनेस क्या करने की कोशिश करता है, मतलब आई विल ऑलवेज लाइक टू हैव एन अरेंजमेंट विद माई क्रेडिटर्स इन अ वे कि समझ लो मैं क्रेडिटर से माल खरीदता हूँ, मेरे को क्रेडिटर ने 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, मतलब आई कैन टेक द गुड्स टूडे बट आई हैव टू पे हिम आफ्टर 3 months, मतलब 3 महीने तक वो मेरे को फंड कर रहा है. इट इज एज गुड एज ही इज प्रोवाइडिंग मी अ लोन बिकॉज उसने मेरे को गुड्स दे दिए है और 3 महीने तक वो यूज करने दे रहा है, राइट. सो नॉर्मली मैं अपने डेटर्स के साथ ऐसा अरेंजमेंट रखूंगा कि वो एटलीस्ट मेरे को 3 महीने के अंदर पैसा दे दे. तो अगर वो मेरे को 3 महीने के अंदर पैसा दे देंगे तो मैं क्या करूंगा, उस पैसे से मैं अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर लूंगा. बट अगर मेरा क्रेडिट पीरियड जो मेरे को मिलता है वो 3 महीने है और मैं अपने डेटर्स को 5 महीने का क्रेडिट देता हूं, विल माई वर्किंग कैपिटल गो गुड? नो, बिकॉज आई एम सपोज टू रिसीव मनी एट अ लेटर डेट बट आई एम सपोज टू पे मनी एट अ प्रायर डेट. अभी देखो डेटर में प्रॉफिट मार्जिन भी इन्वॉल्व होता है, राइट. मतलब अगर 100 का माल खरीदा है तो मैं 130 में बेचूंगा तो 30 रुपया मेरे को जो एक्स्ट्रा मिलेगा उससे मैं अपने बाकी जो एक्सपेंसेस है उसको भी मीट कर सकता हूँ, राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जहां पे आप इवेल्युएट करते हो कि आपको किस किस पीरियड के अंदर आपकी लायबिलिटीज को मीट करना है और वो लायबिलिटीज को मीट करने के लिए व्हाट आर द सोर्सेस do you have in terms of debtors, trade receivables, sources in terms of creditors, bank loan, etc. जिससे आप fund करोगे, ठीक है. Now what happens is that maybe once you've started a business, आप लोग cash flow earn भी करने लगे, ठीक है. Then what you need to do, जैसे कि Reliance was always there, it was doing wonderful business, then they came up with new business verticals like Reliance Retail or they came up with celebrated Jio. अभी पैसे तो थे उनके पास but उन्होंने पैसे Jio में invest किए. क्यों invest किया? To earn return. देखो कोई भी company का आज के दिन में the biggest objective of a company is shareholder wealth maximization. मतलब आप shareholder का wealth बढ़ाओ because company किसको belong करती है? shareholders को, right? So यहाँ पे they came up with a new project by the name of Jio, जहाँ पे they evaluate के इतने 1,000 crore का investment लगेगा, they evaluate के इतना इतना मेरे को यहाँ पे returns मिलेगा. Do you think के उनके पास खाली एक ही option था कि telecom में वो जा सकते थे? नहीं, they had lot of money, they had lot of options as well. कि हम टेलीकॉम में जाएं, कि हम रिटेल में जाएं, कि हम एक्स वाई जेड, बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिसमें वो लोग पैसा लगा सकते थे, राइट. बट यू हैव टू चूज, राइट, यू हैव टू चूज बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो यू नीड टू मेक अ चॉइस एज टू के कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. व्हाट डू वी कॉल इट? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. दैट यू नीड टू मेक अ capital expenditure. There are various alternatives which are available to you to make this expenditure, but you have to choose that particular model or that particular investment avenue जहां पे आपका जो returns हो वो सबसे ज्यादा maximum return हो, right? So ये decision भी आपको लेना पड़ेगा at a particular point when you are trying to do your expansion activity के पैसा है. Normally हम लोग ये decision हमेशा ही लेते हैं. Maybe we take a decision, we have surplus 10 lakh rupees in our account. हम सोचते हैं कि fixed deposit में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाए, इक्विटी शेयर में लगाए के प्रॉपर्टी खरीद ले, राइट. सो वी ऑल टेक दिस डिसीजन. इस डिसीजन को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. बिकॉज यू वांट टू बाय सम इन्वेस्टमेंट, राइट. और कौन से बेसिस पे आप बाय करते हो? ऑन द बेसिस के सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कहां पे मिलेगा. अभी जैसे बिटकॉइन है, पीपल आर बाइंग बिटकॉइन, दे आर मेकिंग मल्टीपल 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 वैल्यू, राइट. सो यू नीड टू इवेल्युएट
कि आप ये डिसीजन किस तरीके से लोगे, और बेसिकली यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे यू टेक अ डिसीजन कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा. देन नाउ यू स्टार्टेड अ कंपनी, आपने फिनेंस भी जुगाड़ कर लिया, यू मेड अ जुडिशियस चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फिनेंस, यू लेट्स से बॉट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द ऑप्टिमल लेवल, फिर आपने वर्किंग कैपिटल भी मैनेज कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी ले रहे हो. ठीक है, अभी देखो लेट्स से यू आर होल्डिंग शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज. ठीक है, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का एज ए शेयर होल्डर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? ये सिर्फ सीधा बोल रहे सर, शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, बाकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, राइट? अदर देन दैट डू यू हैव एनी अदर एक्सपेक्टेशन? इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, डिविडेंड्स. देखो दो ही एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक तो डिविडेंड टाइम पे मिलना चाहिए, दूसरा शेयर का वैल्यू बढ़ते रहना चाहिए. सो अगेन रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश भाई नीड टू टेक अ डिसीजन कि मेरे को अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, राइट? बिकॉज शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोगों को डिविडेंड मिले. अभी देखो ये अगर आपकी कंपनी है समझ लो, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है. व्हेन यू पे डिविडेंड देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द कंपनी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज that your retained earnings, मतलब the profit which you earn over a period of time, is the most vital source of your available funds. मतलब जो आप profit earn करते हो उसको आप business में वापस invest करके business को expand करते हो. मतलब to that extent आपको external funds के ऊपर rely नहीं करना पड़ता है, आप जो profit earn करते हो उसी को अपने business में वापस invest कर देते हो. This is normally called as plowing back of profits. तो your accumulated profits are the most important source of your finance. The dividend is also payable from the accumulated profits, जो आप profit earn करते हो उसमें से. तो as a company you will always face a challenge कि जो मेरे पास accumulated profit है उसमें से कितना portion as dividend मैं अपने shareholders को दूं और कितना portion मैं अपने business में reinvest कर दूं. Because कोई भी company जो expansion mode में होती है, right, it needs fund. तो अगर खुद का कमाया प्रॉफिट अगर डिविडेंड की तरह बांट देंगे तो फिर बाजार से पैसा लेकर काम करना पड़ेगा, राइट? एंड डिविडेंड देना जरूरी है, अदरवाइज शेयर होल्डर्स ना खुश होएंगे, राइट? सो देखो यहाँ पे यू नीड टू टेक अ डिसीजन. तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के डिसीजन लेती है. पहले तो अगर प्रॉफिट है तो ही डिविडेंड देना है. बहुत कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट रहते हुए भी डिविडेंड नहीं पे करती है. वाई? बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स के देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इंटरनली इन द कंपनी, राइट? और उन प्रोजेक्ट से हम लोग रिटर्न अर्न कर सकते हैं. अभी आई गिव यू अ सिंपल सिनेरियो. लेट्स से कि अगर रिलायंस आपको डिविडेंड देता है तो उस पैसे को आप या तो फिक्स डिपॉजिट कर दोगे, या तो और रिलायंस के शेयर्स खरीद लोगे, या किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे. सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है तो आप 12% रेट ऑफ रिटर्न एनुअली उस पर कमा सकते हो बाय यूजिंग इट ऑन योर ओन. सो देखो कोई भी कंपनी देखो डिसीजन जब डिविडेंड का लेगी ना तब वो क्या सोचेगी, बिकॉज दी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, अल्टीमेटली दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी शेयर होल्डर्स. तो वो क्या सोचेगी, वो सोचेगी कि भाई देखो अगर हम अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में ये पैसा लगाते हैं तो हम कितना रिटर्न अर्न करेंगे, और अगर हम ये पैसा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में नहीं लगा के शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो वो कितना रिटर्न अर्न करेंगे, राइट? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो अगर एज अ सीएफओ ऑफ द कंपनी मैंने देखा कि भाई हम अगर अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो वी विल अर्न 8% रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट मनी, बट अगर हम शेयर होल्डर्स को ये पैसा दे देंगे तो दे विल अर्न 12% बाय इन्वेस्टिंग दिस मनी. तो वॉट शुड वी डू, वॉट विल मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स? के पैसा दे दू डिविडेंड में, बिकॉज अगर मैं डिविडेंड में पैसा दे दूंगा तब वो 12% कमा लेंगे, बट अगर मैं इनको डिविडेंड नहीं दूंगा और कंपनी में यूज करूंगा
तो उनको 8% रिटर्न, बिकॉज अगर जो कंपनी कमा रही है एज गुड एज शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं रे, सो उनको 8% ही रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। सो डिविडेंड डिसीजन में भी ये देखा जाता है कि इंटरनल प्रोजेक्ट जो हम करेंगे उनका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, या अगर हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे तो उनका रिटर्न ज्यादा, अगर इंटरनल का रिटर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली दे विल यूज दैट मनी इन इंटरनल प्रोजेक्ट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली इन एन एक्चुअल देखो हम लोगों ने ना अभी तुम लोगों का पूरा सिलेबस एक्चुअली डिस्कस कर लिया, राइट? बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पे हम लोग कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनुइटीज वो सब देखेंगे। सेकेंड चैप्टर इज the source of capital and the cost of capital. Source of capital मतलब equity, preference, debentures, loans, etc. Cost of capital मतलब हर एक let's say capital का, हर एक source of capital का अलग cost होता है in terms of flotation cost, in terms of return which you need to pay to the lender, right? Then we talked about leverage and capital structure. थोड़ी leverage मतलब आपको क्या mix रखना है अपने कैपिटल इक्विटी और अपने बोरोड फंड्स का। देन वी टॉक्ड अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के भाई मेरे को इंटरनल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के किस तरह से मैनेज करना है। देन वी टॉक्ड अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के आई हैव सम मनी, आई हैव वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करूं सो दैट मेरा रिटर्न सबसे मैक्सिमम आए। सो आई नीड टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन द अवेलेबल ऑप्शंस। देन वी टॉक्ड अबाउट डिविडेंड डिसीजंस, यहां पे अ कंपनी नीड्स टू इवैल्यूएट डिविडेंड पे करना है, नहीं पे करना है, कितना पे करना है, बिकॉज द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट? सो दिस इज इन नटशेल द टोटल सिलेबस विच इज देयर।